नमस्कार दोस्तों, आज एक दोस्ती के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं, मगर ये दुनिया दोस्ती निभाने के वक्त कई बार हमसे मुश्किल दौर से गुजरते हैं। डर लगता है कि दोस्ती का कोई दिया वक्त की आंधी में बुझ ना जाए। ऐसे में विश्वास की आंट काम आती है और दोस्तों की और तेज कर देती है। मगर ये जज्बा हर किसी से दिल में उतर जाएगा तो फिर किसी का कहना पड़ेगा दोस्त तो दोस्त ही नारा। तो दोस्तों, दोस्ती एक बहुत अजूबा है और दुनिया इसको सातवां अजूबा मानता है। ये भले ही हमारे रिश्ते में खून का रिश्ता ना हो, पर जो दोस्ती वाकई जो जिनों दोस्तों ने दोस्ती अपनी मित्रता आप कृष्ण और सुदामा जी से ले लीजिए और बहुत दुनिया भरी पड़ी है मित्रता के। और ये जो मित्रता है इसकी दुनिया भरी पड़ी हुई है और इनके जीतने में आपको बताऊँ इतना कम है। दुनिया में इतने इतने दोस्तों और मित्रता के बारे में किताबों और बुक और दुनिया पूरी भरी पड़ी है कि उसके बारे में बताए तो सालों लग जाएंगे। तो मित्रता एक ऐसी चीज है दोस्तों, जो हमारे खून का रिश्ता नहीं हुए भी हमारे कभी भी जो खास मित्र रहते हैं वो हर टाइम में हाजिर हो जाते हैं। रात हो, दिन हो, तूफान हो, आंधी हो, वो कभी नहीं देखते हैं। सिर्फ अपने दोस्त का दिल देखते हैं कि मेरा दोस्त कहाँ है और किस हालत में होगा। तो दोस्तों, जिंदगी में मित्रता कभी मत भूलिए। ये छोटी सी जिंदगी है, कब आए हैं और कब इस दुनिया से चले जाएंगे मालूम ही नहीं गिरेगा, पर हमेशा जो मित्रता की भावना है वो हमेशा बनाए रखें। देखो, कभी मन मुटाव हो जाता है, फिर भी हंस के उसको भुला दीजिए, क्यों जिंदगी में दोस्ती बहुत मुश्किल से मिलते हैं जी। दोस्तों नमस्कार, और फिर अच्छी मित्रता के साथ आपके साथ अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। और आप अपने घर में खुश रहिए और बिना टेंशन फ्री, और ये जो समय चल रहा है उसका तो बिल्कुल छोड़ दीजिए दिमाग में से। टीवी न्यूज़ मत देखना, बस न्यूज़ देखे तो समझना कि कोरोना अपने दरवाजे पे बैठा है। ये न्यूज़ वालों और पेपर वालों की बिंदास छोड़ के और आप अच्छे और हंसी मजाक के साथ और अच्छे अच्छे चुटकुले देखिए और अच्छी सी बुकें पढ़िए। आत्मविश्वास है और बहुत अच्छी अच्छी बुक है। आप अच्छी अच्छी किताबें मार्केट से खरीद कर पढ़ कर आपके आत्म हौसले को बढ़ा के आप अच्छी दिन को बिता सकते हैं दोस्तों। और आपके पास कहीं आपके पहले कहीं चुटकुले और कहानी लिखी हुई है तो भी आप शेयर के अपना दिल खुश करके और अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो घबराइए मत, फिर अच्छे टॉपिक के साथ मित्रों मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।